हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा। आज मैं नायका की न्यू लॉन्च लिपस्टिक का रिव्यू कर रही हूँ एंड दिस इज नायका अल्ट्रा मैट लिपस्टिक। और इसके जो पहले शेड्स लॉन्च हुए थे उसमें से मैंने नूर शेड का रिव्यू किया था, आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर। लेकिन अभी मैंने मंगाया है रजिया, दिस इज द शेड। और इसमें ना 8 शेड ऐड हुए हैं जिसमें से मैं इस शेड का रिव्यू कर रही हूँ। 599 रुपीज़ की मैंने इसे नायका की साइट से परचेज किया है। 2 ईयर्स इसकी शेल्फ लाइफ है, 5 ग्राम इसकी प्रोडक्ट क्वान्टिटी है, क्रूअल्टी फ्री, वेगन, पैराबेन फ्री एंड डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड लिपस्टिक है। सो इसमें एज सच कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है। इसमें है कोकोनट ऑयल, फ्रूट ऑयल एंड इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके लिप्स को नरिश करेंगी और एक्सट्रीम मैट फिनिश देती है। ये फुल हाईली पिगमेंटेड है एंड लॉन्ग वियरिंग वेटलेस फॉर्मूले के साथ आती है। अब ये तो हो गई इस पर लिखी हुई बात है जो कि बहुत ज़्यादा मैट होने की ये दावा करते हैं। दिस इज़ द पैकेजिंग, पैकेजिंग इज सुपर ब्यूटिफुल एंड यहाँ पर भी आप देख रहे हैं शेड का नेम लिखा हुआ है रजिया। मैंने ओपन किया, इस तरीके से लिपस्टिक इसमें रखी हुई है। और मैंने अपनी पिछली वीडियोस में, स्पेशली जो मेरा न्यू चैनल है इंडियन यूट्यूबर रारा, उस पर मैंने वीडियोस में ये लिपस्टिक अप्लाई की हुई है, तो वहां जाकर के आप चेक कर सकते हैं। दिस इज द पैकेजिंग और बिल्कुल पैकेजिंग वैसी है। और इसमें भी आप देख रहे हैं ये अपने आप क्लिक साउंड से बंद हो जाता है। तो चलिए अब मैं दिखा देती हूँ आपको शेड, एंड शेड इज 18, शेड नंबर इज 18 रजिया। सो दिस इज द लिपस्टिक। जी हाँ, अभी मैं अप्लाई करने वाली हूँ और अपने हैंड पर भी आपको दिखाने वाली हूँ। वन स्वाइप एंड इट्स डन, दिस इज टोटली मैट। और ये रजिया जो शेड है ये पर्पलिश पिंक शेड है, तो एकदम से पिंक नहीं है, बट दिस इज वेरी ब्यूटिफुल पिंक। और इसमें ना हल्का हल्का पर्पल का टोन आता है डे टाइम में। तो अभी मैं इसको पहले अप्लाई कर लेती हूँ, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे लग रही है। सी द शेड, तो दोस्तों मैंने इसे अप्लाई कर लिया है एंड इसका जो शेड है वो बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है इंडियन स्किन टोन के लिए। दिस इज़ परफेक्ट और स्पेशली फॉर फेयर स्किन टोन एंड येलो स्किन टोन पे ये पिंक बहुत अच्छा लगेगा और व्हीटिश पर भी अच्छा लगेगा। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा ये लिप कलर। और बात करूँ स्टेइंग पावर की, तो इसकी स्टेइंग पावर है बहुत अच्छी। आफ्टर 1 or 2 मिनट ये अच्छे से लिप्स पर थोड़ा सेट होने में, ये हर एक लिपस्टिक थोड़ा सा टाइम लेती है। उसके बाद जब आप मेकअप रिमूवर से भी रिमूव करेंगे तो इसका जो शेड है एज सच वो पूरी तरीके से लिप्स से नहीं निकलता है, पिंक टोन रह जाती है जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। और खाने पीने के समय ये ट्रांसफ़र होती है और इसमें किसी प्रकार की क्रीजेज नहीं है, आप देख रहे हैं। इसके मैंने 2 कोट अप्लाई किए हैं ट्रूली, और ये ना एकदम फ्लॉलेस लुक दे रही है जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। और मुझे लगता है कि ये लिपस्टिक सभी पर बहुत अच्छी लगेगी। और ये जो शेड है रजिया, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे बोल्ड शेड हैं। मैं इस रेंज का क्लियोपात्रा जो शेड है उसे ट्राई करना चाहती हूँ। आप में से अगर कोई भी उसका रिव्यू देखना चाहता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आप बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कमेंट्स करते हैं तो मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, मुझे ऐसा उतना समय नहीं मिलता। हो सके तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे चैनल पर, आपको रारा पर ज्वाइन का बटन मिल जाएगा वहाँ पर ग्रीन ब्लू कलर का, एंड आप ज्वाइन करेंगे तो आपको 159 रुपीज़ पर मंथ देना होगा। और उससे क्या होगा कि अगर आपको कोई पर्सनली भी मुझसे बात करनी है तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो प्रोवाइड करा दूंगी और आप वहाँ आकर के मुझसे बात कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज पर मैं पर्सनली आपको रिप्लाई
राय दे सकती हूँ। आपको किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, तो उसके विषय में भी मैं आपको बता सकती हूँ, और अदरवाइज तो मैं आपको रिप्लाई करती ही हूँ, बट फिर भी अगर आप चाहें तो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और अब इसका देख लेते हैं कि कितना ट्रांसफ़र होती है, ये ट्रांसफ़र होती है दोस्तों, जितनी बार आप करेंगे उतनी बार ये ट्रांसफ़र होती है, लेकिन लिप्स से जो कलर है, जो पिगमेंटेशन है, वो नहीं जाता, एक्सेस कलर निकल जाता है, बाकी का कलर जो है वो एज इट इज़ लिप्स पर बरकरार है और बना रहता है, विच इज़ वेरी गुड। और ये ना खाते पीते समय थोड़ा सा ट्रांसफ़र होगी, जो कि अच्छा नहीं लगता है, बट अगर आप इसको टिश्यू पेपर से थोड़ा सा मैट में कन्वर्ट कर लेते हो तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है, वो आप कर सकते हैं। सो मेरे लिए बेसिकली, क्योंकि ये चबी लिपस्टिक है, ये है एक बुलेट लिपस्टिक, तो मुझे बहुत पसंद है इस तरीके की लिपस्टिक। और इसका जो अगर वर्सेस वीडियो मैं करने की कोशिश करूंगी, मेरे पास बहुत सारी पिंक है उनसे, बट फिर भी मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी, दिस इज़ वेरी नाइस कलर। और मैंने इसमें से बहुत सोच समझ के ये पिंक शेड मंगवाया है रज़िया, क्योंकि ये इसको आप कोई भी स्किन टोन हो आपकी, अगर आप मंगवा लेते हो तो आपको बिल्कुल किसी भी प्रकार का मतलब खेद नहीं होगा कि आपने ये मंगवा लिया और आपके पैसे वेस्ट हो गए, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आई होप कि आपको ये रिव्यू अच्छा लगा है। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल रारा, एंड आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, एंड शेड रजिया इज ऑसम। थैंक यू सो मच, बाय।